नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन 2034 इस देश से गरीबी हटाना है। गरीबी हटाने के लिए मैं आपका साथ हमेशा जुड़ा हूं, आपका कोच और मेंटर और बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट के नाते। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप के घर से गरीबी हटाएं। तो गरीबी हटाने के लिए आपको जो है, आपको अच्छी तरह से मेहनत करना होगा, जीवन में जीना सीखना होगा। जीने के लिए पैसा की जरूरत है और पैसा कमाना सबसे आसान है। तो आज जो मैं ये आसान कहता हूँ कि कोरोना वायरस के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाने से आसान कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को बेचना, बनाना भी आ जाए चलेगा या बेचना भी आ जाए चलेगा, या दोनों आ गया तो आपका तो माला माल हो जाओगे, क्योंकि मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। आई टीच हाउ टू मेक मनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एंड द स्टार्टअप क्लिनिक इन फ्रंट ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स। ये जो स्टार्टअप क्लिनिक है, बिजनेस स्टार्टअप करने का क्लिनिक है, जहां आपको बिजनेस करना सिखाते हैं, तो पैसा कमाना सिखाते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बिजनेस करोगे तो आप अपने टाइम को मनी में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके अंडर में बहुत टीम होती है, उसका टीम का भी टाइम को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो आप मशीनरी के ऊपर काम करते हो, इंडस्ट्री कुछ भी, जूता बनाओ या चप्पल बनाओ या मेरे जैसे टी शर्ट्स बनाओ या आप प्लास्टिक इंजेक्शन के मोल्ड लगाओ या कंस्ट्रक्शन में जाओ, इंटीरियर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अनेक घर बना रहे हो, तो घर को बेचोगे तो पैसा मिलेगा, मिट्टी मिलेगा क्या? पैसा कमाने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना होगा। जब एंटरप्रेन्योर इस देश में होगा तो एम्प्लॉयर बन जाओगे, तो एम्प्लॉयर बनेगा तो एम्प्लॉय मिलेंगे, तो एम्प्लॉय को उनको भी टाइमली काम करवाओगे, उनको अच्छी सैलरीज देते हो जब आप अपनी प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छी तरह से बचा लेते हो। जैसा कि आज हमारा सेशन में जो एक्सक्लूसिव शो है, तो आप सारे जानते हो मैं बंगाल का पैदाइश हूँ और दिल्ली से आप लोग तक पहुँच गया हूँ कि कोरोना वायरस के चलते आप तक पहुँचने का मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा, तो हमने बोला कि चलो डिजिटल ही सही, क्लासरूम में आएंगे, हर कॉलेज में पहुँचेंगे। तो आज आपके शहर में जितना भी कॉलेजेस है जो डिस्ट्रिक्ट मालदा में है, तो सारे पीपल मेरे को देख पाते हैं। कारण क्या है कि मैं जो ये शो बना रहा हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन मालदा डिस्ट्रिक्ट, कितने ऐसे अपॉर्चुनिटीज जिंदा है जो अपॉर्चुनिटीज हम कोरोना का बात कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग पूरा डिस्कशन करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आधा घंटा में कैसा पैसा कमाना सीखेंगे। तो 99 सब्लिमेशन जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, ऐसा इंडस्ट्री है जो प्रिंटिंग के ऊपर कपड़ा बनाना हो या टी शर्ट्स हो, मोबाइल कवर्स हो या कोई भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म हो, कॉरपोरेट के बिजनेस हो, ये सारी चीज़ों को जो है आप ही देखोगे नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर में, 20-25 मिनट के अंदर में हम कितना प्रोडक्शन निकाल पाते। तो एक दिन में हमारा प्रोडक्शन क्या नहीं, इसके लिए हम सोचेंगे। सिमिलरली कुछ बिजनेस के बातें करेंगे जो बिजनेस आपको करना है। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ही है, तो यदि आप मेरे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस की बात करते हैं तो मेरे दोस्त आपको हम लोग ऑलरेडी एक कोर्सेज में लेके चले जा रहे हैं, जो प्ले लिस्ट में, यदि हमारे यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में देखोगे आपको कोर्स वाइज दिखाया जाएगा, जैसा कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। तो आप लोगों को एक मैं बता दूं, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, कि हम लोगों का जो प्लास्टिक इंजेक्शन का कोरोना वायरस के समय भी पहला एक ऐसा पर्सन मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, वो अपनी प्रोजेक्ट को साइन अप किया, वो प्रोजेक्ट जो बना रहा है प्लास्टिक का चेयर बनाने वाला है। तो उसके लिए टोटल अपने को प्लास्टिक इंजेक्शन में लेके जाने के लिए 6 मंथ्स की टाइम लगता है। तो उन लोगों का प्रोसेस ऑन है, तो हम 6 महीने के अंदर में आपके शहर में प्लास्टिक इंजेक्शन की पहला फैक्ट्री जो है मालदा के सिटी में, इंडस्ट्रियल एरिया में लेके आ रहे हैं। तो मालदा मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, प्रशांत जो है आपको काम सिखाएगा, क्या करने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो एक रेड कलर का मशीन के बगल से आया प्रशांत, जो है एक कपल का मोबाइल कवर्स बनाने जा रहा है। ये मोबाइल कवर्स देख रहे हो कि एक प्रीमियम मोबाइल कवर जिसमें आप प्लास्टिक से बनाए, तो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, यदि आप ऐसे मोबाइल कवर बनाना चाहते हो तो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की मेरी सीरीज को देख लेना जिसमें पड़ा हुआ है। जैसा कि मैं बंगाल का पैदाइश हूँ, तो मेरा पहला शो जो है हम लोग कपड़े के ऊपर शो बनाए, ऑनलाइन बिजनेस कैसा करना सिखाए, ऐसा सारे शेयर, जैसा प्लास्टिक इंजेक्शन के ऊपर 30+ वीडियोस जो है ऑनलाइन में ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे ऐसा जा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल के मेन बटन में आके आप वीडियोज़ के बाद जो है पहला रहेगा होम वीडियोज, उसके बाद है प्ले लिस्ट पर डायरेक्टली जाके अपनी कोर्स को चूज कर सकते हो। जो घर में औरत है वो घर में बैठ के ई कॉमर्स में अपसी प्रोडक्ट बनाए, जैसे प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि मोबाइल कवर,
ये मोबाइल कवर आप देख लो पीछे में, ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं तो मेरे जैसे टी शर्ट बना सकते हैं। आप देख रहे हो कितना प्यारा है, ये टी शर्ट बना सकते हैं। आप देख रहे हो टी शर्ट की मैं बात करता हूँ तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो टी शर्ट के, इसमें जो है 99 सब्लिमेशन, इंडिया का नंबर वन कंपनी। जैसा कि आप ये मशीन को देख पा रहे हो, ये मशीन जो है वो प्रिंटर के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो वहाँ प्रिंटर्स लगे हुए, प्रिंटर के साथ मशीन जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रिंट जब निकलता है आपने देखा, जिसमें 99 सब्लिमेशन की पेपर और इंक को यूज़ की। ये जो मोबाइल कवर का मशीन है, ये मोबाइल कवर का मशीन में ऐसी डाइस की ज़रूरत होती है। आप देख रहे हो कि ये डाई होता है, ये डाई के ऊपर ये कवर लगने वाला है। इसको जो है 200 डिग्री के टेम्परेचर में 2 मिनट में अपने को 4 कवर बनेगा। तो एक दिन में हम लोग 1000 कवर को बना सकते हैं, 1000 कवर को बना सकते हैं। 1000 कवर इंटू 30 रुपया भी बचा रहे थे, दिन का 30,000, महीना का 9 लाख यदि ऑफलाइन की बिजनेस करते हैं। यदि सेम काम हम ऑफलाइन ऑनलाइन में करते हैं मेरे दोस्त, ऑनलाइन में करते हैं तो 1000 कवर डेली बेचने के लिए आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आराम से बेच सकते हो। तो 1000 कवर डेली बेचते हैं, 1000 × 100 रुपया 50 रुपया आपको बचेगा। आप देख रहे हो कि जो डाई है प्रशांत, और जो डाई यूज़ कर रहा है, ये जो डाइस यूज़ कर रहा है मैजिकल डाइस यूज़ कर रहा है, जो उसमें आप लेके चलते हैं कि प्रिंटिंग का जो टाइम है बहुत जल्दी हो जाता है। जो 2 मिनट के अंदर में अपने को 4 कवर प्रिंट आ जाता है। जैसा कि आप देखो टाइम इज इक्वल टू मनी मेरे दोस्त, टाइम मनी में कन्वर्ट करना है। जैसा कि मेरी हाफ एन आवर का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जिंदगी भर का, क्योंकि मैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, यदि आप बिजनेस में टीवी कई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, टीवी का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, या ऐसी टीवी में आप अपनी ब्रांड को भी लगा के काम कर सकते हो। जैसे भी आप चाहते हो कि इस टीवी को ही आप ब्रांडिंग करके अपनी मार्केट में लॉन्च करें, तो आप अपनी यहाँ लोगो लगे कमर्शियल टीवी से आप अपने मार्केट में डिस्ट्रिक्ट में ये टीवी को अपनी ब्रांड से सारे शॉपकीपर को देख सकते हो। तो ये टीवी, या आप चाहते हो कि ऐसी इन्वर्टर्स की काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसको भी आप काम शुरू कर सकते हो। क्योंकि मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बात कर रहा हूँ, तो आपको मैं कह दूँ कि मेरे दोस्त आप ऐसी एलईडी लाइट्स को बना सकते हो, या एलईडी लाइट के ऊपर ओईएम बना के बेच सकते हो। मतलब ऑलरेडी हमारा जिसकी फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, वहाँ से आप एक प्रोडक्ट को लेके अपनी ब्रांड का नाम से, जैसा कि आप देख रहे हो कि अपनी ब्रांड नेम, ऐसा ब्रांड नेम से 2 साल का वारंटी देके आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हो। जैसा कि देख रहे हो कि मेरे दोस्त, ये जेनबी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और खुद की प्रोडक्ट भी है। तो हम लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री काम सिखाते हैं, तो उसका पीछे का रीज़न होता है एक्सपीरियंस। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रशांत जो प्रोडक्ट बना रहा है वो 2 मिनट में कवर बना रहा है, या टी शर्ट। नेक्स्ट आप देखोगे यही सीरीज में ऐसे टी शर्ट्स कैसे बनते हैं, तो ये टी शर्ट कैसा बनता है, तो आप देख रहे हो कि तो ऐसी कवर अब निकलेगा जो HD प्रिंटिंग होगा। देख रहे हो प्रशांत जो है ऑलरेडी कवर को निकाल रहा है, ये 200 डिग्री का टेम्परेचर में बना तो बहुत हॉट होता है। और आप देख रहे हो कि कलर की क्वालिटी क्या है, इसकी आंखों में देखोगे जाके कैसा रहेगा। इसके लिए जो है आप देखोगे तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग 99 सब्लिमेशन का पेपर और 99 सब्लिमेशन का इंक, उसके साथ जो है जो डाइस आप देख रहे हो मैजिकल डाई यूज़ किया, जिसके चलते एक दिन का 1000 प्रोडक्शन निकल जाता है। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जब भी एंट्री करना चाहते हो, तो लेके चलो ये मोबाइल का और प्रिंटिंग का बिजनेस में 1 लाख रुपया से आप 3 लाख के अंदर में आप अपनी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो महीना में आप 3-4 लाख रुपये 5 लाख रुपया कमा सकते हो, क्योंकि मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ तो टाइम को मनी में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। कि मैं अकेला हूँ इस धरती में, जो मैं ओपनली चैलेंज भी कर रहा हूँ, पैसा कमाना सबसे आसान है। तो उसके लिए आप ऐसी प्रोडक्ट को बनाना होगा, प्रोडक्ट को बनाओगे और प्रोडक्ट को खुद बेचोगे। अब देख रहे हो कि 200 डिग्री का टेम्परेचर में हम लोग निकाले और इसको पकड़ रहे हैं। तो ये जो है कपल का कवर, इसमें ब्रांडिंग हो रखा है, कोई भी पकड़ के घूमते रहेगा तो पूछेंगे तो नेक्स्ट वो बताएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक। तो शॉपकीपर रेडी रेडी पड़ा हुआ है, जिसको बेचने के लिए वो तैयार भी है। तो आपको बनाना, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के बाद जो सबसे बड़ा है कि मोबाइल का फ़ोन, चश्मा, जैसा कि मेरा चश्मा लगा हुआ है। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री नहीं मेरे दोस्त, अनेक इंडस्ट्री ऑलरेडी मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपको। जैसा कि टी शर्ट्स बनाना, जैसा कि आप देख रहे हो फेस मास्क, ये फेस मास्क जो है ये मेटालिक प्रिंट्स ना, ये स्पीड किंग मेटालिक प्रिंट है। ये मेटालिक प्रिंट बनाने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप देख रहे हो कि एक क्वार्टर को यूज़ किए हैं, जिससे डिजाइन शेप को काटा जाता है। जैसा कि आप टी शर्ट में भी देखोगे
तो उसकी प्रोडक्ट्स है ऐसा ही आप देखोगे मेरे दोस्त, आप ऐसी मोबाइल कवर्स को देखो जिसको ग्लॉस फिनिश है, आप देख रहे हो कि कितना प्यारा प्रोडक्ट है। तो आप इसमें मेटालिक कवर्स आप देख सकते हो, मेटालिक मोबाइल कवर्स, तो मतलब आप पूरा इनोवेशन को देखोगे। क्योंकि कभी भी कुछ भी कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जब भी बनाओगे आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओगे। देख रहे हो मेरे दोस्त, प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओगे तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट तो बिक जाएगा। जैसा कि आपकी माँ जब खाना बनाती है, खाना तो बिकने के लिए बनाया जाता है, तो सेम थिंग है। आप देख रहे हो कि ऐसी लेदर फिनिश, ऐसी प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। एक तो हो गया कि प्रिंटिंग, हमने और एक बताया कि लेदर कवर, से सब आप बना सकते हो, जिससे आप अपनी फ़ोन को बहुत प्यारा, मतलब आप नहीं, आप प्रोडक्ट को बनाओगे तो बेचना तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, जैसा कि जितना भी जहाँ भी आप जाके बेचना चाहते हो, तो सिंपल सा हमने ऑलरेडी ऐसे कोर्सेज दे चुके हैं। आप देख रहे हो कि कितना प्यारा प्रोडक्ट है। आपको यहाँ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, प्रोडक्ट को बेचना भी सिखाया जाता है। जैसा कि आप कैप को बना सकते हो, ये ऑलरेडी हमने दिखाए हैं वेरियस प्रोग्राम्स में, आप देख सकते हो कि ये वाटर बॉटल। तो कोरोना के बाद कोई कितने ऐसे इंडस्ट्रीज है जिंदा है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त सैनिटरी नैपकिन का इंडस्ट्री लगा सकते हो। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, प्रशांत देख रहे हो इसको जो यूज किया है वो हीट प्रेस को यूज किया है, यूरोपियन स्टैंडर्ड हीट प्रेस। आप देख रहे हो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, जो मतलब मोस्टली पीपल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी हमारी प्रोजेक्ट को कहीं और कॉपी मत करना, क्योंकि हम लोग जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फिर से हम कहते हैं कि जो बहुत पीपल सोचते हैं कि हम लोग कहीं से कॉपी किया क्या, मैं दोस्तों मैं कॉपी नहीं करता। आप देख रहे हो ये ब्रांडेड 99 सब्लिमेशन मास्क और डिजाइनर मास्क, जैसा कि मेरा बदन के ऊपर डिज़ाइन है, मुंह में भी डिज़ाइन है। आप सारे जानते हो कोरोना के बाद तो ज़िंदगी भर मुंह बंद करके ही रखना होगा, तो ऐसी मास्क बनाओगे जो मास्क को बेचने के लिए बहुत आराम पड़ेगा। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री नहीं मेरे दोस्त, जैसा कि आप टी शर्ट को देख रहे हो, क्लॉथिंग कपड़े का बिजनेस को देख रहे हो कि कैसा रंग लाता है, क्योंकि कोरोना है वो कुछ भी हो, कपड़ा तो खोल के नंगा तो कहीं बाहर जा नहीं पाओगे, तो इसको इंडस्ट्री को आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत पीपल जो है कोरोना के बाद टूट गए, तो मैं बोलाऊँ कि ये लो मोस्ट पॉइंट, इसको भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो। टूटोगे तो टाइल है आपके साथ, जो कंस्ट्रक्शन वाला टूट रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरे दोस्त, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नेक्स्ट 3-4 साल में फिर से ग्रो करेगा। यदि आप चाहते हो कि अभी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर अपनी एक नया जगह ढूंढना चाहते हो, तो आप ऐसी इंडस्ट्री है रोटी कपड़ा मकान चश्मा जूते बाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कभी कदम नहीं होगी, ये टेम्पररी पीरियड है, डाउन जाएगा फिर से अप जाएगा। लेकिन ये टाइम में जो इमरजेंसी पीपल है, जो पीपल चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ कर दे और टाइम नहीं है, तो प्रिंटिंग ऐसा इंडस्ट्री है। उसके बाद अगरबत्ती है, और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डेफिनेटली एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इस देश की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट को आप स्टार्ट करो, तो मेरा एक शो भी है, इसका एक बहुत बड़ा शो आने वाला है, सिर्फ इंतज़ार है, जो हमारे लड़की लोग जो प्रेजेंटेशन आप तक लेके आएंगे उन्होंने आ जाए, तो डेफिनेटली, क्योंकि कोरोना का चलते बहुत पीपल जो है गरीब जो है घर में बैठ गए, सोचे कि वो आके कोरोना काट लेगा। मैं बोलता हूँ ना, कोरोना काटेगी ना आप काटोगे, तो कोरोना आप काटेगा नहीं, आप नहीं काटोगे। अब देख रहे हो टी शर्ट का जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ प्रिंटिंग है कम्प्लीट कर चुका है प्रशांत, इसके ऑलरेडी हमने शो बना चुके हैं, तो यहाँ हम लोग कोर डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मेरे दोस्त जो औरत है, आप दिखाओ ये वीडियो में, डेफिनेटली दिखाओ कि औरत को पता है कि वो यूज़ क्या करती है, मतलब औरत जब तक जिंदा है, ये क्या जिंदा है मेरे दोस्त, ये प्रोडक्ट जिंदा है। इसमें देख रहे हो कि मैग्नेटिक एनर्जी, यहाँ देख रहे हो कि जो पेन को रिडक्शन के लिए जो है एक स्ट्रिप को दिया गया है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जिसमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो है पेन को रिस्ट्रिक्ट करता है। ऐसी प्रोडक्ट आप मार्केट में देख नहीं पाओगे, ये प्रोडक्ट जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, आप चाइना से इम्पोर्ट हुआ, ये प्रोडक्ट को आप बनाने की मशीनरी लगा सकते हो, तो जिसकी मशीनरी हम लोग, क्योंकि आपको देख सकते हो कि मैं हमारा स्टार्टअप क्लिनिक में क्लियरली दिखाया हुआ है,
कि यदि आप कार की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सोलर में हो, प्रिंटिंग में हो, ऐसी प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट इस जीवन की जरूरत है वो सारे प्रोडक्ट में हम लोग लेके जाते हैं। सपोज आप बोलते हो कि भाई मेरे को इंजन बनाना है, तो रेलवे का होगा तो हम लोग वो भी बनाना है। आप बोलोगे कि एरोप्लेन को बेचना है, हेलीकॉप्टर बनाना है, या बोलोगे कि मिसाइल की कंपनी बनाना है, या हम बोलेंगे कि नासा का जो स्पेसएक्स का जैसी इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, वहाँ भी हम लोग दम रखते हैं, क्योंकि हम लोग पैसा कमाना सिखाते हैं। तो पैसा कमाना सबसे आसान होता है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं निकालते हुए एक छोटा सा पटिया, ये होता है मेड इन चाइना, पैक्ड इन इंडिया, लेकिन यही प्रोडक्ट आप खुद बना रहे हो, तो ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो बन जाती है विद मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ, ₹1.25 में बन जाएगी, आप खुद बनाओगे, तो इसकी कॉस्टिंग जो है, यदि मैं बात करता हूँ तो ₹125 का 8 पीस का कॉस्टिंग है ये प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। तो आप ब्रांड्स लाइक स्टे फ्री, विस्पर, ऐसी ब्रांड्स के ऊपर जब भी आप देखते हो तो उसमें जो है आप ₹35, ₹36 से शुरू होता है, ₹6 का एक पैड होता है। तो जब ₹1 का पैड ₹6 में बिक सकता है, तो उसके बीच में मार्जिन क्या है, क्या है? तो औरत जो घर में बैठी है उसको उठाओ, उसको यूनिट लगा के दो। आज जो है सरकार क्या है, भारत सरकार बोल रही है कि भाई हम लोग बना के देंगे आपको, आप काम करो, मेहनत करो, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है, जगह देगी, सब्सिडी देगी, सब कुछ, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं। हर बंदा बेचना चाहता है, जैसा कि US वाला बेच देता है अपने को थम्सअप, US वाला बेच देता है सुबह कोलगेट, US वाला बेच देता है अपने को थम्सअप ही क्या, गूगल, US वाला बेच देता है। आज जो है धमका के रखा है US ने चाइना को, टिकटॉक नहीं बेचोगे तो हम लोग जिंदा नहीं रखने वाले, जैसा कि देख रहे हो मेरे दोस्त। सैमसंग जो है लगातार अपने फ़ोन में Xiaomi, जैसा कि आज आपने देखा होगा, यदि जैसा कि जिस दिन मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आज मेरा 6th August है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आज की जो रिकॉर्डिंग जो है रात का 10:30 मेरा एवरीडे प्रोग्राम में आता है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं मालदा का शहर के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं, तो मालदा का जो ऊपर में एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर देना है, देखो भाई, मालदा में अनेक पीपल है, जो पीपल की मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 40 लाख पीपल जो है मालदा डिस्ट्रिक्ट में है। 2011 विकिपीडिया के हिसाब से मेरे को दिख रहा है, क्योंकि विकिपीडिया हिसाब से यहाँ जो है मैंगो, जूट एंड सिल्क, वेराइटी ऑफ मैंगो जो है यहाँ से फसल होता है। उसके बाद जो है क्या है, कभी गन हब ऑफ ए फेक करेंसी, क्या यहाँ फेक करेंसी बनता है क्या मालदा में? क्योंकि ये जो भी मैंने निकाला है, मेरा एम्प्लॉय ने निकाला, मेरे टीम ने निकाला होगा, तो ये विकिपीडिया और गूगल के वेरीफाइड वेबसाइटों में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठाएं। तो जैसा कि बंगाल का हिस्ट्री को लेके मैं काम कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी हम लोग बात कर लिए हावड़ा के ऊपर, कैलकटा के बीरभूम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हर जगह प्लेस में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ के प्लेस के हिसाब से उनकी एजुकेशन, जैसा कि मालदा इज एन द गेटवे ऑफ नॉर्थ बंगाल सिटी, स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1925 टू 1930, मतलब वो टाइम में ग्रो कर चुका है। उसके बाद जो है यानी आप सारे जानते हो बंगाल की ग्रोथ क्या है, आप जानते हो, क्योंकि मेरे को बंगाल को छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरी पर्सनल ग्रोथ कभी भी मैं देख नहीं पाया बंगाल में मिलेगा, क्योंकि मैं टीवियों में एक्टर बन के दिखना चाहता था, लेकिन मैं दिख नहीं पाया, क्योंकि बचपन में मेरे को अपॉर्चुनिटी, मेरे को आई वॉन्टेड टू बिकम एन IITian, तो मेरे को मौका ही नहीं मिला। खड़गपुर में पैदा हो गया, खड़गपुर में दिखते हुए किसी ने बताया नहीं कि JEE कैसा जाना है, कैसा मेरे को एंट्रेंस लिखना है, क्या मेरे को करना है, कोई नहीं बताया। तो मैं कहता हूँ कि मेरे जैसी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज मिस कर मत करो, क्योंकि मेरे को, मैं जो रास्ता छोड़ देता हूँ फिर से रास्ता के ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं IIT नहीं मेरे दोस्त IIM तो सही, IIT नहीं तो ITI तो सही, कहीं ना कहीं चाह रहा है तो लेके आ गया। मोहन चंद्रा मेरा नाम है मेरे दोस्त, मैं एक प्लान से नहीं अनेक प्लान तैयार करके देता हूँ। मेरे पास प्लान 1A B C D E F G H I J K L, उसके बाद 1 2 3 से शुरू करूँगा, 1000 प्लान दूंगा। बिजनेस में जो होता है पहला प्लानिंग, लाइफ में होता है प्लानिंग, जैसा कि मेरे जीवन में जो मैंने कह दिया कि 2034 तक गरीबी हटा दूंगा, तो गरीबी हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि उठो मेरे भाई, आपके घर में जो है आपके पेरेंट्स ने एक सपना लिया, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा गधा बनेगा, मेरा बच्चा एक्टर बनेगा, ना आप गधा बन पा रहे हो, ना एक्टर बन पा रहे हो, ना डॉक्टर बन पा रहे हो, क्या बन रहे हो, वो चौक में बैठ के गुटखा खा रहे हो, कहीं नहीं रगड़ रहे हो, चस मस्ती कर रहे हो। मेरे दोस्त ये एज जो एज ऑफ 25 ईयर्स है, उठ नहीं पाओगे तो 25 के बाद जो 50 जो बाप बनने का समय है,
वो टाइम में करोगे, 50 के बाद तो करने का कुछ नहीं है, सिलेंडर घस गया, कुछ नहीं होने वाला, तो उठना पड़ेगा। कोरोना का नाम पे रोते चले जाओगे मेरे दोस्त, आप रोते ही रह जाओगे, जैसे Y2K 2000 में हुआ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त आपके पास तो पॉपुलेशन भी है, आपके पास पीपल है, तो 50% औरत है। यदि हम 2020 की सेंसेक्स लेके चलते हैं तो ऑलमोस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं तो 60 लाख पीपल से क्रॉस कर चुके, मतलब 60 लाख एडल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें 20 लाख पीपल पैड को यूज़ करते हैं, 6 पैड, मतलब 1 करोड़ 20 लाख पैड्स तो आपके डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। जैसा देख रहे होंगे मेरे दोस्त, आपके एंटायर डिस्ट्रिक्ट में कितना बदन होगा, 30 लाख बदन नहीं 60 लाख बदन है। हर पर्सन को टी शर्ट पहना सकते हो, ठीक है, लड़की जो बहुत आंटी उंटी है साड़ी पहन सकता है, लेकिन ये टी शर्ट को कौन नहीं पहन सकता। तो हर बदन के ऊपर आप चढ़ सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको दिखता है नहीं, चश्मा मेरा यूज़ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बना है प्रशांत, प्रशांत जो है आप देख रहे हो, प्रशांत जो है ये सीनियर ट्रेनर हमारा स्टार्टअप क्लिनिक का, कितने सालों से काम कर रहा है, अपनी एज में छोटी एज में इतनी कला लेके आया है, वो स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि मैं 5 ऐसे गोल्स में काम करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, जहाँ स्किल होगा कहीं भी जा सकते हो। तो हम लोग क्या सिखा रहे हैं, स्किल ही सिखा रहे हैं, सेलिंग स्किल सिखा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्किल सिखा रहे हैं। तो कोई भी आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, बेशक आप जा सकते हो, कोरोना वायरस में भी औरत को जरूरत हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कितने पीपल फार्मा के बारे में जानते हैं, मेरे दोस्त मैं मोहन चंद्रा, मेरा जीवन का 12 साल मैं जो है फार्मा में मैं गुजारा हूँ, 12 साल की जिंदगी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, 14 साल मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं अपना टाइम को दिया हूँ, वक्त को दिया हूँ, डॉक्टर्स को पढ़ाया हूँ। जब डॉक्टर्स को पढ़ाया तो समझ में आया कि भगवानों को पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इंसानों को पढ़ा नहीं सकता। तो उसीलिए मैंने बोला स्टार्टअप क्लिनिक, स्टार्टअप का मतलब स्टार्टअप करना, बिजनेस मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। जो धरती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा, और पैसा को हमने स्टार्टअप क्लिनिक से सॉल्व करते हैं। तो क्लिनिक है, उसमें के लगा हुआ है, डॉक्टर को भी जरूरत है। यदि आप हॉस्पिटल चलाते हो, आपके पास पेशेंट नहीं है, तरीका हमारा पास है। आप यदि इंडस्ट्री चलाते हो, आपके पास कस्टमर नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। हॉस्पिटल में हो तो कितने एम्प्लॉयज़ को जनरेट करते हो, तो आपको हम डेफिनेटली मदद करेंगे, क्योंकि इस देश की जो सरकार कर सकता है हम भी वही कर सकते हैं, क्योंकि तरीका हमारा अलग है। सरकार का साथ हम लेके चलते हैं, हम भी चलते हैं कि भाई ये शेर मेरे हाथ में है, दिल में कितने होंगे, मोहन चंद्रा मेरा नाम है, खड़गपुर से बिलोंग करता हूँ, तो बंगाल का ही शेर हूँ। सिर्फ इतना है कि मैं जो है आज ऑपरेट करता हूँ, ऑल इंडिया ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस देश से गरीबी हटे। उसके लिए जो है मेरे अर्ली रिटायरमेंट एज ऑफ 36 में मैं अपना रिटायरमेंट लिया। मैंने बोला कि चलो क्यों ना हम ऐसा रास्ता दिखाएं जो रास्ता में आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फसल उग जाए। तो फसल क्या है कि मेरे दोस्त, आपको तो आपके फैमिली ने एक आम का गुठली का जैसे निकाल के दिया, 5 साल तो चला दिया हाथ पकड़ के, 5 साल के बाद आप खुद स्कूल गए, उसके बाद जो है आज 25 साल के ऊपर में हो तो आप बाप बनने का लायक में रखते हो या बाप बन चुके हो। तो नेक्स्ट जनरेशन ऐसा ही होगा, तो कोरोना का नाम पे डरते मरेंगे। तो 10 साल की जो है मेमोरेंडम दे चुका है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोरोना का साथ जीना होगा, मतलब अपने को सर्दी खांसी जुकाम के साथ तो जीना होगा, जिसकी आदत ही है, क्योंकि हर दिन तो कोरोना फैटिक। तो हम लोग कोरोना से डरेंगे, कोरोना वायरस आ जाएगा। तो वायरस को मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लॉकडाउन में दरवाजा बंद करने से दरवाजा में होल नहीं है, दूध का समय उसको पता है कि आपको कुछ नहीं करना है, क्या कचड़ा वाला से मास्क आप लगा लोगे तो हो जाए, जैसा कि आपकी सामने में हमने मास्क बना के दिखाया, ये मास्क से क्या वायरस चुप जाएगा, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, डॉक्टर्स को पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे को यकीन है कि ये कोरोना वायरस नहीं है। मैंने आज नहीं पहले ही भी बताया, यदि मेरी रात की 10:30 की प्रोग्राम लगातार देखते हो, देखने की आदत है, आप देख सकते हो मेरा पिछले में डाटा, 5 अगस्त को मैंने बताया, इस देश से यदि कोरोना वायरस का खौफ नहीं हटेगा, देश भीख मांगेगी, हर इंसान भीख मांगेगा, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। जैसा कि 22 जनवरी को मेरा रात का 10:30 का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो जो पीपल देख रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, जो सोचेंगे कि एक्शन नहीं लेना है, मरना है, तो उन लोग मरेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं बचा पाएगा। आज जो है बहुत पीपल, जैसा कि हमारे साथ हम लोग ऑलरेडी जिसके साथ है, कुछ पीपलों के लिए हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाए,
तो सारे पीपल काम कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ता है जो भी हम लोग काम करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स जो है बड़े प्रोजेक्ट्स जितने भी है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, उन्हीं के थ्रू से हम लोग करवाते हैं, क्योंकि आपको जहाँ सपोर्ट गवर्नमेंट की चाहिए उनकी, तो हम लोग मार्केटिंग संभालते हैं, आपको बिजनेस प्लानिंग संभालते हैं, प्रोडक्ट बनने तक सिस्टम जो है एक्सपर्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है बेचना सिखाते हैं, बेचना। क्योंकि यदि आप भी सीमेंट इंडस्ट्री में हो, ईंटे के भट्टे की इंडस्ट्री हो, तो मैं बोलता हूँ कि सेलिंग स्किल्स, वी विल टीच यू सेलिंग, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। बनाना ही नहीं बेचना भी सीखना होता है। जैसा कि आपके शहर में अपॉर्चुनिटी फारा रोड में पैसा पड़ा हुआ है आपके एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि देख रहे हो कि मेरे दोस्त आपके हॉस्पिटल मालदा मेडिकल कॉलेज जो फार्मास्यूटिकल के ऊपर बहुत बढ़िया काम है, DPCO मालदा, मालदा रेलवे हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर ऑफ मालदा मेडिकल कॉलेज, मालदा मेडिकल सेंटर, ईस्टर्न रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, OPD मालदा मेडिकल मेडिकल कॉलेज तो है ही। तो आप समझ सकते हो कि मेरे दोस्त आपके पास डॉक्टर्स भर भर के पैदा होते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए भी आप काम कर सकते हो। इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसा कि आपके पास केजन मुर्मू BJP से है सांसद, तो आपको डेफिनेटली सेंट्रल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। शायद पर्सेंट रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन अच्छा से ही जुड़ा हुआ है। लिटरेसी यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बंगाल में, 62% लिटरेसी, मतलब अक्षर का ज्ञान, पढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं मेरे दोस्त। देखो लर्न व्हाइल यू अर्न, तो आप पढ़ोगे नहीं तो हम लोग पढ़ा रहे, तो आप पढ़ो, क्योंकि आपको मेरी प्रोग्राम्स को देखना है तो देख सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी उसका क्लासरूम बना चुका हूँ। और आपको मैं कह दूँ कि मैं हम लोग ऑलरेडी कलकत्ता में आप लोगों के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं, जैसा कि आज दिल्ली में जो एक प्रोजेक्ट हमने साइन अप किया है वो है प्लास्टिक इंडस्ट्री, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें चेयर्स बनाने के लिए, जैसा कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर आपको ऑलरेडी लिंक्स मिल जाएंगे जो प्लेलिस्ट में जाके आप ले सकते हो। जैसा कि मालदा सी गर्ल्स स्कूल, तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म बना सकते हो, स्कूल के ऐसी आईडी कार्ड्स बना सकते हो। आप देख रहे हो कि ये पूरा आईडी कार्ड्स है, आप देखो जिसमें मेटल प्लास्टिक या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है, मेटल वुड बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो कि ये सारे ये मेटल है, मेटल और प्लास्टिक देख रहे हो, इसकी लैनियर्ड्स बना सकते हो, स्कूल की वाटर बॉटल ऐसे आप बॉटल्स बना सकते हो, स्कूल की प्योर वाटर बॉटल बना सकते हो, गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स में जा सकते हो, जैसे कि मोबाइल एक्सेसरीज बताया, कपूर बनाना, अगरबत्ती बनाना, तो ऐसे बहुत इंडस्ट्री है। इवन फूड प्रोसेसिंग, फूड की इंडस्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स की मैं अभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि कोरोना के डर से दुनिया डर रहा है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बहुत बना सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके कॉलेजेस, तो गनी कॉलेज, चौधरी इंजीनियरिंग, IMS इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, मालदा कॉलेज, ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, ये साल जो है ऑफलाइन क्लासरूम जो ऑनलाइन क्लासरूम हो जाएगा, तो ये साल एक कॉलेजेस के ऊपर हम मर्चेंडाइज के लिए काम करते हैं। जैसा कि मर्चेंडाइज, अभी मैं बता दूँ, ये ऐसी टी शर्ट आप देखो, ये मर्चेंडाइज के लिए यूज़ किया, मतलब हमने कॉलेज की लोगो लगा के या कंपनी का, तो कंपनी की ब्रांडिंग में आप लोग काम कर सकते हो। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, जैसा टाइल्स मैंने बताया, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना हो या मोबाइल कवर हो या कोई भी पीछे में कॉरपोरेट मग्स, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो प्रिंटिंग और सोलर, LED, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, कोई भी इंडस्ट्री या एग्जिस्टिंग बिजनेस मैन, जैसा कि आप मान के चलो आप बिलोंग करते हो अदीना मोजिक, मतलब आप टूरिज्म में हो तो हम लोग मदद करेंगे, कॉलेजेस में हो मदद करेंगे, मेडिकल में हो मदद करेंगे, फार्मास्यूटिकल हो मदद करेंगे, इंडस्ट्री उषा हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब हैचरी के बिजनेस में हो तो मदद करेंगे। जैसा कि हमारे चैनल में आप देख सकते हो कि हम लोग डिजिटल कॉमर्स को सिखाते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, तो पैसा कमाने के लिए तरीका डिजिटल है। जैसा कि आप, हम लोग दिल्ली से आप तक पहुँच गए, तो उसके बाद जो है मैग्नेट एग्रोटेक लिमिटेड, ओनस एग्री प्राइवेट लिमिटेड, सिंधुजा फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, फार्मिंग एग्रीटेक, मतलब यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, तो आप वर्ल्ड को आप परिचय करवा सकते हैं हम लोग, तो तरीका हम लोग बताएंगे कैसा करना है, तो आप कर सकते हो। तो जैसा कि मालदा में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जैसा कि कॉलेज की मैं बात करता हूँ, चंचल कॉलेज, साउथ मालदा कॉलेज, मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मालदा पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, गौरबंगा और महाविद्यालय, मालदा वुमेन्स, तो इतने यंग पॉपुलेशन होते हुए मालदा में प्रॉब्लम क्यों है?
क्यों आप लोग ऐसा चुप रहते हो कि जीवन जीने के लिए पैसा की? क्यों मेंढक का जैसी कुआं में हो? देखो मैं तो अपने शहर से निकल गया, लेकिन मैं अपने जीवन में जो सक्सेस किया, हर दिन भी मैं आपसे बात करूंगा तो एक नया स्टोरी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हर जीवन का हर दिन मेरे लिए अचीवमेंट, क्योंकि मैं 18 घंटा काम किया, 3 घंटा पढ़ाई किया, 1 घंटा अपनी फैमिली को देते हुए 22 घंटा मैं जाग के रहा। इस धरती में जो है इंसान जो है 8 घंटा सो जाता है, तो मतलब वो 60 साल का जीता है तो 20 साल तो सोते निकल जाता है, 25 साल तो उसको आता ही कुछ नहीं, हो गया 45 साल तो ऐसा ही बाथरूम में निकाल देता है 4 से 5 साल। आप कैलकुलेट करना है तो कर लेना, बाथरूम में निकाल देता है 4 से 5 साल। आज फोन आने के बाद फोन में 10 साल तो ऐसा ही निकाल देगा, फोन में फालतू बातें करने के लिए, बगल वाले के ऊपर रोने के लिए कुछ टाइम निकाल देता है, तो जीवन में बचता है 2 से 3 साल। यदि देखोगे मेरे दोस्त चाइना जो है दिन के 12 घंटा काम करता है, उनकी कमिटमेंट क्या है, एक बार अली बाबा अली एक्सप्रेस में एक मैसेज छोड़ के देख लो, वो आपके पीछे में लग जाएंगे, उसको व्हाट्सएप दे देना, हर दिन हर समय आपको विश करेंगे, आपको बर्थडे का दिन भी फेसबुक से निकाल के आपको विश कर देंगे। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि क्या हम लोग वही कॉलगेट को यूज़ करेंगे जो US का है? मैं पूछता हूँ क्या वही फोन्स को हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें गूगल हमारा जीवन निकाल दे रहा है, जिसमें हैकिंग होता है? क्या हम लोग खुद का व्हाट्सएप नहीं बना सकते? हम क्यों डिपेंडेंट हैं? क्यों हम लोग इसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंडेंट? हम कहाँ डिपेंडेंट पहले थे? कब बंगाल से शुरू हुई थी जर्नी? सूरत से शुरू हुआ था, एक गुजराती भाई ने लेके आके इंडिया को बर्बाद कर दिया था वो टाइम में, आपने देखा ही होगा। इस बार एटलीस्ट और एक गुजराती भाई आया तो कुछ तो कर रहा है, राम मंदिर में राम भूमि को तो खड़ा कर रहा है। तो जब मोदी जी आए 2014 में, बहुत होप है हमारे को, क्योंकि मैं 2014 जनवरी 31 तारीख को मैं अपने जीवन से रिटायरमेंट लेके मैंने शुरू किया इस प्रोजेक्ट 2034 तक गरीबी हटाने का 20 साल। उसके बाद हमारे मोदी जी आए, बोले कि भाई तू कितना मेहनत करेगा, मैं ज़्यादा करूँगा, चलो। मैंने बोला कि चलो 10 साल उनको दे देते हैं 2024 तक, अब 2024 तक इस देश की विकास करेंगे। तो विकास करने के लिए तो आपको तो अपने आप को घर से गरीबी हटाना पड़ेगा, तभी तो देश की विकास तो संभालेंगे, तो देश का गरीबी कौन हटाएगा, तो आपको हटाना होगा। तो मैंने बोला कि जो सीनियर होने के नाते मोदी जी को प्रणाम हमारी, और जो है हम लोग सरकार के साथ मिलके काम किए, NGOs के साथ मिलके काम किए, और हम लोग बताने लगे सिखाने लगे कि भाई पैसा कमाना सबसे आसान है, क्योंकि मोदी जी का सपना साकार होना चाहिए। अब देख रहे हो कि उनकी एज बढ़ते जा रही है, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लगातार 4 घंटा सोते हैं, तो मैं तो 22 साल से सब जो अपनी ज़िंदगी में कितने साल हो गए, 33 साल से मैं 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ, पिछले 22 साल करीब हो गया है मेरे दोस्त, दिन का मेरे को 2-2.5 घंटे का ज़्यादा नींद नहीं आता, तो आज तो 2 घंटे से ज़्यादा आता ही नहीं, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। यदि आप अपने टाइम जीवन में टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करोगे, जैसा कि मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ आप ही के सामने, यहाँ सुप्रमिता बनर्जी, सुभाष भौमिक फुटबॉलर और सिंगर, ये दोनों कभी भी मैं मिलना चाहूँगा, जब भी मैं कलकत्ता हूँ या मालदा हूँ तो डेफिनेटली मैं मिलना चाहूँगा इन दोनों से। इनके पास ना कुछ पीपल होते हैं फॉलोअर्स, कुछ ओरिजिनल होते हैं, कुछ फेक खरीदते हैं, लेकिन उनके पास तो पहुंचने का उनका भी तरीका होता है। तो इतना अपॉर्चुनिटी है, रोड में पैसा पड़ा हो, क्यों आपको दिखता नहीं है? आपके शहर में हर रोड में पैसा पड़ा हुआ मेरे दोस्त, वो विलेज ही क्यों ना हो, ऑयल का मिल लगा सकते हो, अपॉर्चुनिटी का क्या कमी है? सिर्फ उठना है आपको, करना है आपको, बोलोगे कि मेरे बाप दारू पीता था मेरे को भी पीना पड़ेगा, नेगेटिविटी बातें करेंगे तो कान घुमा दूंगा, मोहन चंद्रा मेरा नाम है, मैं चाहता हूँ कि दो रिश्ते में प्यार रहे, पैसा नहीं, हर रिश्ते में पैसा को मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पैसा कमाना सबसे आसान, सबको मैं सिखा दूँ इस धरती में, हर इंसान को सिखा दूँ। तो ऐसा ही हम लोग एक कोर्स को डेवलप किए हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलके 2021 में डेफिनेटली लॉन्च करने की कोशिश करें, लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट को हमारे पास आना होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है गवर्नमेंट के पास खुद गए, मतलब बुलाए तो इनवाइट आया तो हम लोग चले गए और हम लोग सब कुछ दे दिए। तो मैं बोलूँगी इस बार जो मैं सिखाऊंगा, पैसा कमाना सिखाता हूँ, तो आप बताओ कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। हर इंसान को इस धरती में ज़रूरत है, और इंसान को मैं पैसा कमाना
सिखा सकता हूँ और मेरी टीम आपके साथ जुड़े हुए। तो आज हम लोग का 5 सेंटर है, लेकिन कोरोना वायरस में भी हम लोग आपको लगातार अपॉइंट करेंगे। यदि आप इंजीनियर हो, MBA हो, फ्रेशर हो या कोई लड़की है, क्योंकि मेरा 5 गोल्स के अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहती यंग पीपल, क्योंकि इस देश को बदलना है तो देश का विकास जो है ओल्ड पीपल कर सकते हैं। यूथ को सामने आना पड़ेगा। यूथ तो तमाशा देख रही है, टिकटॉक में देखता था, बंद कर दिया, आज फेसबुक में इंस्टाग्राम में बैठा हुआ है। यूथ को 7 मिनट का 5 मिनट का मजाक चाहिए। सला देश है कि और क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। कुछ तो शर्म करो मेरे दोस्त, शर्म नहीं आता, खून खोलता नहीं। नमक मिर्ची खाओ, जौलमुड़ी खाते हो ना, उसमें ज्यादा मिर्ची डालने बोलो। घुगनी रोटी खाते हो ना, घुगनी में ज्यादा मिर्चा डालने बोलो। शर्म तो आए उठ के। तो यदि एम्प्लॉयर ही मर जाएगा तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेट होगा मेरे दोस्त? शादी कब होगा, बच्चा कब पैदा करोगे? मर जाओगे देखते देखते। जय हिंद, जय भारत। Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just ₹99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants. And starting from just ₹888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation, along with unlimited advertising opportunities.
We have 100 plus business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenby Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora, and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.